हेलो गाइस, मैं विदीप। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन और पावर ऑफ रिंग्स देख रहा है। तो कल मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और मैं तलाश में था किसी थ्रिल से भरी मूवी की। तो ऐसे ही यूट्यूब में सर्च करते हुए मैं एक बहुत तगड़ी मूवी का ट्रेलर देखता हूँ जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है। इस मूवी का नाम है प्रे और इस मूवी ने लिटरली मेरे दिमाग को हिला दिया। तो इस मूवी की जो स्टोरी होती है वो एक नारू नाम के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस मूवी का जो प्लॉट है वो फिक्स किया गया है आज से कुछ 100 साल पहले का, थोड़ा कम भी हो सकता है। होता यह कि जो हमारी मेन लीड होती है वो रहती है शिकारियों के बहुत बड़े ग्रुप के बीच में, जहाँ पर एक तरीके से उसको बिल्कुल नाकारा सा माना जाता है। उस बंदी का सिर्फ एक ही एम होता है कि बहुत बड़ा शिकारी बनना और अपने कबीले को बताना कि भाई वो नाकारा नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई कहानी इतनी बस है, पर बिल्कुल नहीं। कबीला बिल्कुल अच्छे से चलता रहता है, अपना शिकार करता रहता है। उनके बीच में आता है भाई एक एलियन, सही सुना, एलियन, जिसको देखने के बाद समझ में आता है कि भाई वो अर्थ पर प्रेडेटर्स को हंट करने के लिए आया है। और वो जिस तरीके से तबाही मचाता है कि भाई क्या ही बताएं। वो धीरे धीरे करके अर्थ में जितने भी प्रेडेटर्स हैं उनको निपटाना चालू कर देता है, मोस्टली जानवरों को। अभी तक उसका इंसानों से सामना नहीं हुआ होता है, पर जब उसका इंसानों से सामना होता है तो बिल्कुल तबाही सी मच जाती है। तो जो हमारा एलियन होता है वो बहुत ज्यादा हाईटेक और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब उसकी पहली बार पैरों के निशान देखने के लिए मिलते हैं वो लिटरली किसी भालू से बड़े होते हैं, और उसकी जो भनक होती है वो सिर्फ नारुको होती है, जो कि हमारी मूवी की मेन लीड है। बाकी लोग जब मानते हैं जब उनकी मार ली जाती है। अब जो नारू है उसको अपने कबीले को बताना है कि भाई वो किसी से कम नहीं है और वो बहुत बड़ी शिकारी है। वो बिना सोचे समझे निकल पड़ती है इस एलियन का शिकार करने, जिसने एक तरीके से बहुत सारे कबीले के लोगों को निपटा दिया और कुछ अपने लोगों को निपटा दिया है नारू के। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि भाई जो एलियन आया है वो सभी इंसानों को निपटा देगा, और क्या नारू खुद को साबित कर पाएगी कि वो बहुत बड़ी हंटर है? इस मूवी की खास बात मुझे ये लगी कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा थ्रिल देखने के लिए मिलता है, और स्टोरी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भाई वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। जब मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओ कि भाई इसमें एलियन भी शामिल है। इसमें जितने भी फाइटिंग सीन्स है वो लिटरली बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है, और नारू का जो कैरेक्टर होता है वो जो अपने आप को प्रूव करता है कि वो बिल्कुल चूतिया नहीं है, और वो जिस तरीके से प्रूव करती है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जो एलियन वाला पार्ट है वो एक तरीके से तुमको क्यूरियस बनाकर रखता है स्टोरी पर कि आखिर भाई ये कौन है, क्यों आया है, इसका मकसद क्या है, कि भाई ये सब लोगों की हंटिंग क्यों कर रहे हैं। पर इस मूवी की खास बात ये होती है कि तुम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया जाता है। मूवी में सिर्फ 15-20 मिनट स्टोरी चलती रहती है और तुरंत ही तुम लोग जंप हो जाते हो एक्शंस में। कुल मिलाकर अगर तुम लोग बोर हो रहे हो तो ये तुम लोग के लिए बहुत अच्छी मूवी हो सकती है। और मूवी देखने के बाद मुझे कमेंट करना कि तुम लोग को ये वाली मूवी कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।